दोस्तों यहाँ पे कुछ बंदर अपने बच्चों के साथ टहलते रहते हैं, लेकिन इनको खतरे का अंदाजा नहीं होता और इस पे एक शेरनी शिकार के लिए अपना निशाना गराए बैठी रहती है दोस्तों। और इस बंदर में से एक बंदर को नज़र पड़ जाता है इस शेरनी का चेहरा, इतने में सारे बंदरों को खबर कर देती है और ये सारे बंदर आपस में चिल्लाने लगते हैं और आपस में सबको बोलने लगते हैं कि सब अपने अपने बच्चे लेकर और पेड़ पे चढ़ जाओ। लेकिन शेरनी के बच्चे भी ये बहुत शातिर होते हैं दोस्तों, ये बंदर के पीछे पड़ जाते हैं। जब ये बंदर को पकड़ने जाते हैं तो बंदर ऊपर से पेड़ की छील करके और उसको मारता है, और उससे भी नहीं हारता तो उसके ऊपर पेशाब कर देता है दोस्तों। जरा देख सकते हैं कि आप इस शेरनी के बच्चे को किस तरह से बंदर का पेशाब पीने के बाद वहां से भी पीछा नहीं भागता। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस बंदर को किस तरह से एक डहनी से दूसरे डहनी पे जाता है और शेरनी के बच्चे उसका पीछा नहीं छोड़ता दोस्तों। काफी कोशिश करता है शेरनी को पीछा छोड़ाने के लिए बंदर, लेकिन बंदर के पीछे शेरनी के बच्चा पड़ा ही रहता है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्लिप में देख सकते हैं किस तरह से इस चीते ने इस बंदर को पकड़ने की काफी जोरदार मेहनत करता है दोस्तों, लेकिन ये बंदर भी कम नहीं होता, चीते के हाथ आता नहीं है दोस्तों, और वहां से वो पानी में छलांग लगा देता है और सारे बंदर उसको देखने लगते हैं कि आखिर ये पानी में कूद गया अब बचेगा या नहीं बचेगा। अब यहाँ ये बंदर तो एक शेर पैर से लटका हुआ रहता है, ये बंदर पैर के डाइनी को हिला हिला के शेर को नीचे गिरा देता है और लास्ट में शेर नीचे गिर करके आराम फरमाता हुआ नजर आता है दोस्तों। और एक बंदर अपने बच्चे को लेकर पानी को पार कर रहा था, लेकिन दोस्तों उसकी किस्मत खराब होती है और एक मगरमच्छ के मुंह में जा फंसता है दोस्तों, और इस मगरमच्छ ने बंदर को काफी ज्यादा चोट पहुंचा चुका होता है। उस बंदर के बच्चे को ये समझ लो कि अब वो मरने के कगार पे होता है, लेकिन बंदर की माँ जो है वो अपने बच्चे को लेके इधर उधर भटकती है कि शायद मेरा बच्चा बच जाए। लेकिन दोस्तों एक बार घड़ियाल के मुंह में जाने के बाद चाहे कोई भी जानवर हो बचना बहुत ही मुश्किल होता है। अब दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं बंदर का झूठ पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाता है, लेकिन उसमें से मगरमच्छ निकलकर एक बंदर को पकड़ लेता है दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से। वो बंदर छुड़ाने की आपस में बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कि हम मगरमच्छ के मुंह से छूट जाएं, लेकिन दोस्तों मगरमच्छ की पकड़ इतनी तगड़ी होती है कि बंदर की जान लेकर ही पीछे हटती है। और दोस्तों सारे बंदर बैठ करके और तमाशा देखते रहते हैं, क्योंकि अगर वो बचाने जाएंगे तो खुद की जान भी उनकी फंस जाएगी। और देख सकते हैं कि बंदर को किस तरह से मुंह अपने मुंह में दबा रखा है दोस्तों। बंदर काफी मेहनत करता है कि हम उसके मुंह से छूट जाएं, लेकिन बंदर की बस की कहां जो मगरमच्छ के मुंह से अपना मुंह निकाल ले दोस्तों। इसके साथ वाले भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ जो है बंदर को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि काफी देर के बाद तो एक मगरमच्छ के मुंह से शिकार आया है और दोस्तों इस बंदर को जिंदा ही निकलना चालू कर देता है। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ढेर सारे इम्पाला के झुंड को देखकर ये जंगली कुत्ते किस तरह से लार टपकाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों सारे इम्पाला जंगली कुत्ते को देखकर और भागना चालू कर देते हैं दोस्तों, लेकिन जंगली कुत्ते भी कम नहीं होते और सारे जंगली कुत्ते मिलकर इम्पाला के झुंड पे अटैक कर देते हैं। इतने में एक इम्पाला अपने झुंड से अलग हो जाती है और वह पानी की तरफ चली जाती है दोस्तों, लेकिन जंगली कुत्ते भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसको पानी में भी पकड़ने के लिए दौड़ लगा देते हैं। कुत्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं दोस्तों इस इम्पाला को पानी में ही। जब इम्पाला इस पार आती है तो इस पार कुत्ते आ जाते हैं, जब दूसरी पार जाती है तो दूसरी पार भी कुत्ते पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों इम्पाला जाए भी तो कहां जाए, क्योंकि अगर पानी में रहती है तो ज्यादा देर तक वो सांस भी नहीं रोक सकती
और पानी से बाहर आती है तो उसका जान भी बच नहीं सकता, क्योंकि ये जंगली कूते हैं, उसको लोच खाएंगे। हम दोस्तों देख सकते हैं ये इम्पाला अपने आप को पानी के अंदर ले जा रही है, गहरे पानी में। लेकिन कुत्ते भी कम नहीं है दोस्तों, इसके पीछे छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। दोस्तों जंगली कुत्ते जो है इम्पाला को मारने में बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इम्पाला ज्यादा देर तक दौड़ भी नहीं पाती है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये कुत्ते इम्पाला को पानी में ही पकड़ लिया है। लेकिन दोस्तों पानी का गहराई ज़्यादा होने के कारण इम्पाला को छोड़कर कुत्ते वहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन फिर भी बार 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 इम्पाला के ऊपर अटैक होता रहता है। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये जंगली कुत्ते पकड़ने के पानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, और यहाँ इम्पाला को पकड़ के पानी के बाहर भी निकाल लेता है दोस्तों। और तीन कुत्ते मिलकर के इसको जिंदा ही नोचने लगते हैं। इतने में एक और कुत्ते आ जाता है दोस्तों, और ये सब देख रहा था यहाँ से हिप्पो। और जैसे ही हिप्पो वहाँ से गुजरता है तो ये सारे कुत्ते डर के वजह से वहाँ से भाग चलते हैं दोस्तों, और इस तरह से ये हिप्पो